उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में एसिड अटैक पीड़िता की हिम्मत और हौसले की कहानी आखिर कब तक, देख दर्शक भावों से भर गए। महिलाओं को लेकर समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेड ब्रिगेड ट्रस्ट और ऑक्सफैम इंडिया आगे आया है। ट्रस्ट की लड़कियों ने मिलकर महिला अधिकार और हिंसा के खिलाफ ग्लोबल एक्शन वीक के तहत कार्य योजना बनाई है। इसके तहत शनिवार को जनपद वाराणसी के गंगा किनारे बसा 80 घाट पर नुक्कड़ नाटक किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ट्रस्ट की लड़कियों ने महिला हिंसा, भेदभाव, गैर बराबरी, एसिड अटैक, खुले में तेजाब बिक्री आदि जैसी समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। नाटक देखने के बाद बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। सभी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति प्रस्तुत किए गए बेहतरीन नाटक की प्रशंसा की। वहीं रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल ने उत्साह वर्धन किया, साथ ही नाटक की रूपरेखा रतन यादव ने तैयार की। वहीं संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। नाटक आखिर कब तक में दिखाया गया कि एक ऐसी अटैक पीड़िता को समाज किस तरह से उपेक्षित और गैर बराबरी करता है। समाज इस तरह से अपनी बात रखता है कि नारी को लगे अब आत्महत्या ही उसके लिए अंतिम विकल्प है। नाटक में आखिर कब तक मैं हूँ, मेरी खुद की ताकत, खुद की जिम्मेदारी, न मैं कमजोर हूँ और न ही मैं अबला हूँ, मैं हिम्मत वाली नारी हूँ जैसे संवाद छाए थे। वहीं नाटक में एक भारतीय नारी की हिम्मत और हौसला को दिखाया गया था। वहीं इस अवसर पर एसिड पीड़िता संगीता पटेल, बादामा देवी सहित कलाकारों में गाजीपुर से प्रियंका भारती, सुषमा भारती, अंकिता बरनवाल, प्रीति सरोज, निर्भया के गाँव बलिया से आर्या पांडे, स्मृति पांडे लखनऊ से, रूबी खान, प्रियंका वर्मा, नरगिस आदि लोग उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए विनोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, वाराणसी।